नमस्कार दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेके आया हूँ, जैसा कि इसे गोले का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, क्योंकि एक गोला है। गोला चारों तरफ से देखा जाए तो ठोस होता है, जैसे बॉल होती है। बॉल आप देखे होंगे पूरा भरा हुआ होता है, तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr² होगा। 4πr² होगा सरफेस एरिया ऑफ कल्यथ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होगा, ये फॉर्मूला है। अब गोले का आयतन, इसका जो ठोस वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4π3πr³ क्यूबिक यूनिट होगा। 4π3πr³ क्यूबिक यूनिट होगा। अब इसी बेस पे आपका अर्धगोला होता है, जिसे हेमी स्फीयर कहते हैं। हेमी स्फीयर तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू 2πr² होता है। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया लिया जाए तो ये जैसे फिगर है, तो ये तो इतने का एरिया निकला 2πr², क्योंकि गोला होता है तो पूरा 4πr² होता है, लेकिन ये आधे का निकला तो आधा इतना है, प्लस ये सर्किल ऊपर जो कटा हुआ भाग रहेगा, सर्किल रहेगा, उस सर्किल का πr² इसमें हम जोड़ देंगे, तो टोटल हो जाएगा 3πr² यूनिट हो जाएगा अर्धगोले का, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू 3πr² हो जाएगा। अब अर्धगोले का आयतन बोल रहा है, अर्धगोले का आयतन 2π3πr³ क्योंकि पूरा गोले का आयतन 4πr² है, सॉरी पूरा गोले का आयतन 4π3πr³ है, तो अर्धगोले का जस्ट उसका आधा हो जाएगा 2π3πr³। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू 2π3πr³ यूनिट, ये हुआ फार्मूला। नमस्कार दोस्तों, अब इसका मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो।